हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं वरुण किशोर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अमेजिंग प्रॉपर्टी से आपके लिए एक फिर प्लॉट लेकर आया हूं। लेकिन इस प्लॉट की जानकारी देने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। ये जो प्लॉट सामने जो दिख रहा है, केपी बीम किया हुआ, ये 7 कट्ठा का प्लॉट है। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो दीघा बेली रोड पथ है, जो नहर के किनारे जो रोड बना हुआ है, दीघा बेली रोड पथ। तो जब आप दीघा से आएंगे तो एक बनसती माई का मंदिर है, तो बनसती माई का मंदिर है, उसी के बगल में एक चेक पोस्ट है, उसी के पीछे जो प्लॉट है वही आपको 7 कट्ठे का केपी बीम किया हुआ प्लॉट है। ठीक है, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से जो ये बनसती माई का जो मंदिर है, ठीक है, उसी के बगल में ये चेक पोस्ट है। ये जो रोड है सामने देख रहे हैं, ये जो रोड है, ये जो दीघा की तरफ से आया है, ये दीघा की तरफ से, और यही रोड सीधा इधर ये बेली रोड की तरफ ये चला जाता है। ठीक है, इसी से यहाँ से थोड़ी दूर पर आपको डीएन मंडल हॉस्पिटल है। ठीक है, यहीं से डीएन मंडल है, डीडी मंडल हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा इसी में आके। ठीक है, अब मैं आपको इस प्लॉट पे चल के दिखा देता हूँ। रोड बहुत बिजी है, ऐसा देख के पार करना पड़ता है। देखिए, ये जो रोड आया, बस इसी से सटा जो रोड नीचे उतरा है, बस इसी के ठीक सामने ये प्लॉट आपको, तो सामने केपी बीम किया हुआ जो प्लॉट दिख रहा है, ये वही 7 कट्ठे का प्लॉट है। इसमें आपको 55 फीट फ्रंट है, इस प्लॉट में 55 फीट, पूरे 7 कट्ठा में 55 फीट फ्रंट है। लेकिन एक चीज़ मैं इस प्लॉट के बारे में आपको बता देना चाह रहा था कि इसमें से जो 2 कट्ठा जो ज़मीन है, 2 कट्ठे का जो एरिया है, वो पटना मास्टर प्लान में ग्रीन जोन में आता है। इसीलिए मैंने आपको बताना उचित समझा कि ये पूरा प्लॉट में जो 7 कट्ठा 4 धूर है टोटल, अगर प्लॉट का मेजरमेंट अगर देखेंगे तो ये 7 कट्ठा 4 धूर है, और इसमें आगे से आपका 2 कट्ठा के आसपास का जो प्लॉट है वो पटना का जो मास्टर प्लान है उसी में ये ग्रीन जोन में 2 कट्ठा सामने से आया हुआ है। तो ये आपको रजिस्ट्री तो पूरा हो जाएगा, और इसमें बाद में अगर मान लिया कि सरकार अगर लेता भी है तो आपको कम से कम 2.5 गुना यहाँ पे जो सर्किल रेट है, लगभग 74 लाख रुपये कट्ठा सर्किल रेट है, तो उसके हिसाब से आपको 2.6% आपको इसका मिल जाएगा। 2.6 टाइम्स उसको बोलते हैं, 2.6% नहीं, 2.6 टाइम्स आपका सर्किल रेट का आपको यहाँ पर वैल्यूएशन सरकार आपको देगी। यानी अगर मान के चलिए 74 लाख है तो लगभग आपको लगभग 2 करोड़ के आसपास में मिल जाएगा, है ना। ये रोड ऐसे फिर आपको नीचे से ही ऐसे रोड, ये पूरा चौड़ा लगभग 30-40 फीट ऐसा, जब ये जो रोड भराया हुआ है ये वहाँ तक आगे कॉलोनी में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो होगा यहाँ से आपको मेन एंट्रेंस ही है रोड से, और ये जो रोड आगे देख रहे हैं यहीं से ये एक्सपेंशन अगर होगा तो यहीं तक ये चला जाएगा, और यहाँ से ये पूरा मिट्टी भरवा के यहाँ से आप उसको बनवा सकते हैं सामने। तो इसीलिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि इसमें जो 7 कट्ठा 4 धुर है उसमें से लगभग 2 कट्ठा ज़मीन मास्टर प्लान के ग्रीन जोन में है,
और इसका जो वैल्यूएशन है यहाँ पे लगभग 74 लाख के आसपास का है सरकारी सर्किल रेट, तो उसका 2.6 टाइम्स आपको अगर सरकार लेगा भी उस मास्टर प्लान में जितना भी प्लॉट आया हुआ है 2 कट्ठा के आसपास में, आपको 2.6 टाइम्स आपको उसका रेट के मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इस प्लॉट के बारे में अगर बात कुछ करना हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मेरे दिए हुए नंबर 9576019570 पे आप कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको वहां से भी नंबर लेने में सुविधा रहे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये प्लॉट आपको पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।